गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राज सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले दो दशक से अधिक समय से राज्य में सत्ता में है। 28 वर्षीय हार्दिक पटेल ने साल 2015 में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कभी बीजेपी के धुर आलोचक रहे पटेल के खिलाफ गुजरात की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने राजद्रोह सहित कई आरोपों में मामले दर्ज किए थे। वहीं हार्दिक की बीजेपी में शामिल होने से पहले अहमदाबाद, पाटनगर और गांधीनगर में पोस्टर लगे। इस पर अलग राष्ट्र प्रेमी युवा हृदय सम्राट सरीखे नारे लगाए गए। बताया गया है कि वह 11 बजे बीजेपी में कार्यालय में शामिल हो जाएंगे। गौरतलब है कि पोस्टर में दी गई जानकारी के अनुसार हार्दिक पटेल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। दरअसल सुबह 9 बजे वह अपने निवास पर दुर्गा पाठ करेंगे। इसके बाद 10 बजे वह SGVP गुरुकुल परश्याम और धनश्याम की विधि विधान से आरती करेंगे। इसके बाद हार्दिक वहां साधु संतों की हाजिरी में गौ पूजा करेंगे और सुबह 11 बजे पटेल कमलम गांधीनगर पर बीजेपी के प्रदेश मुख्य की हाजिरी में विधिवत बीजेपी में प्रवेश हो जाएंगे। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हार्दिक पटेल ने साल 2019 में कांग्रेस का हाथ थामा था। 11 जुलाई 2020 को उन्हें कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि पटेल इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस्तीफे देते हुए कहा था कि उनको पार्टी में स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस से नाराजगी के चलते उन्होंने 18 मई 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए करारे झटके से कम नहीं। वहीं भाजपा हार्दिक को पार्टी में शामिल करने को लेकर काफी उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।